सो दोस्तों, अगर आप भी एक रियल मी यूज़र हो और आपके पास भी है रियल मी 3 प्रो, रियल मी 3, रियल मी 2, रियल मी 7, रियल मी सी 2, रियल मी 2 प्रो या रियल मी यू 1, आपके पास रियल मी का अगर कोई भी डिवाइस है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है आपके मोबाइल की बैटरी, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो टिप्स बताऊँगा, सिर्फ दो, आप उसे ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक शायद किसी ने भी नहीं बताई होगी वो वाली ट्रिक्स। हो सकता है पहले मैंने ही एक वीडियो में बताई हो, लेकिन आज मैं आपको दो अनोखी टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपका अगर एक दिन का बैटरी बैकअप है मोबाइल का ऑन स्क्रीन, तो दोस्तों आपका मोबाइल 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप देने लगेगा और 2 से 3 दिन तक आपको मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कौन सी वो ट्रिक्स हैं और कौन सी वो टिप्स हैं, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप रियलमी के और अपडेट्स जानना चाहते हैं, रियलमी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ या कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको रियलमी के रिगार्डिंग सारी न्यूज़, सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, उसके टिप्स ट्रिक्स सभी इस वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लो, घंटे को भी दबा दो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली दोस्तों ट्रिक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे रियलमी 2 मोबाइल है। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में, और यहाँ पे सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे थर्ड लास्ट आप देख सकते हो मेरे पास डेवलपर मोड ऑप्शन है, डेवलपर मोड का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास यहाँ पे डेवलपर मोड का ऑप्शन एडिशनल सेटिंग में नहीं शोर हो रहा, तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने जाना होगा, बैक आ जाना है, सेटिंग में यहाँ पे आपको दिखेगा अबाउट फ़ोन, अबाउट फ़ोन में जाना है आपको सबसे पहले। तो वर्जन के ऊपर आपको 3-4 बार टैप करना है और उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में फिर से आपको जाना होगा और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको क्या कुछ ऑन करना है, क्या आपको ट्रिक्स वो यूज़ करनी है कि जिससे आपका मोबाइल अगर एक दिन का बैटरी बैकअप देता है, एक दिन चलता है बैटरी, तो भाई 3 दिन तक बैटरी आप कैसे चला सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए बता देता हूँ पहला वो तरीका। तो इसके लिए दोस्तों जब आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको नीचे आके ऐप्स में दिखेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो दोस्तों आप ये मत समझना कि मैं वही जो लोग बताते हैं वही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक अलग सी ट्रिक बता रहा हूँ, दो ट्रिक्स बताऊँगा, दूसरी ट्रिक भी बहुत कमाल की है। पहली ट्रिक तो ये रही, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट जो है ये स्टैंडर्ड पे होगा और इसे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा, अगर आपका सवाल है कि भाई इससे क्या होगा, तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आपका कोई भी YouTube, Facebook, WhatsApp आपका बैकग्राउंड में चलता रहता है, एक्टिविटी होती रहती है, तो भाई आपका जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाता है। तो इसे बंद करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में नो बैकग्राउंड प्रोसेस का क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो भी YouTube, Facebook, WhatsApp बैकग्राउंड में चलता रहता है, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ अभी बंद हो जाएंगी और आपका बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगा और आपका बैटरी एक नहीं बल्कि तीन दिन तक आपका बैटरी बैकअप होगा, 2-3 दिन तक आपको बैटरी चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की तरफ, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान से आपको इनको समझ लेना है दोनों ट्रिक्स को, और अच्छे से समझ कर फिर ही फॉलो करना है, तो आपको 100% या 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ मैं। दूसरी ट्रिक के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, वहीं फिर से आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दूसरा स्टेप होगा आपका बैटरी, यहाँ पे बैटरी की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर यूजेज के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, तो अगर आपके पास यहाँ पे पावर बैटरी कंजप्शन शो हो रहा है, बैटरी कंजप्शन डिटेल हो, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है पावर यूजेज, तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको ये ही नहीं पता है, ये ही नहीं मालूम है कि आपका कौन सा ऐप ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है, ज़्यादा बैटरी खा रहा है आपका ऐप, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं, आप सबसे पहले ये चेक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube आपका
मेरे पास जो मोबाइल है रियल मी 2, इसमें यूट्यूब 36% बैटरी ड्रेन किया है, सबसे ज़्यादा बैटरी खाया है यूट्यूब ने। उसके बाद व्हाट्सएप ने 28% खाया, उसके बाद शेयर चैट वगैरह जो सब एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये आज का है, यहाँ पे कल वाला आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप ने 30% बैटरी यूज़ किया ड्रेन किया, और टिकटॉक की वजह से 13% बैटरी ड्रेन हुआ। तो ऐसे करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, अपनी डिटेल जान सकते हैं कि आपका कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी खा रहा है। तो इसके बाद दोस्तों आपको ट्रिक क्या यूज़ करनी है, टिप्स क्या मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों बैटरी सेविंग मोड पे लगाना होगा। बैटरी सेविंग मोड पे लगाने के बाद इसे दोस्तों इसे आपको पावर सेविंग को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगा, तो इससे आपका 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप 100% रिजल्ट मिलेगा यार, 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, और आपको चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी 2 से 3 दिन तक। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको कम ब्राइटनेस में मोबाइल चलाना अच्छा नहीं लगता, तो आप रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस को ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ब्राइटनेस आप अपने तरीके से आप अपने आप जितना आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से हिसाब से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई ये दोनों ऑप्शन को आप अगर ऑन कर देते हो, आपका अब आप देख सकते हो मेरी 6 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और अभी तक सिर्फ 1% बैटरी खाया मेरे मोबाइल ने। तो दोस्तों आपके रिज़ल्ट बिल्कुल सामने है, विद प्रूफ भी हो गया। और आप तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को यहाँ से लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करें, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और नीचे दोस्तों अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रियल मी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट जानने के लिए, और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।